जिसको जकात दी जानी थी उससे जकात ली जा रही, तो 25,000 करोड़ रुपए मुसलमान की जकात इंडिया के अंदर निकलती थी। आज भी अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो 7-8 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी कोई मुसलमान नहीं बचेगा जिसको जकात की जरूरत हो। यानी सबकी रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है कि एक आदमी 10 आदमी का रिस्क भी लेके खा जाता है, कि हर नेकी सदका है, किसी का सामान उठा देना सदका है, किसी की मदद कर देना सदका है, किसी को पानी पिला देना सदका है। तो सही इस्तेमाल करेंगे तो वक्त नहीं लगेगा कि हमारे हालात को सुधरने में, मुसलमानों के जो है गुर्बत खत्म होने। और फिर ये कह गया था फरीजतन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज कर दिया तुम्हारे पर। देखिए तो सबसे ज़्यादा पैसा जकात का लग कहाँ पर रहा है,